पलवल जिले में 20 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत 0 से लेकर 5 वर्ष तक के करीब 8,500 बच्चों को 2 बूंद पोलियो की दवाई पिलाई जा रही है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान पल्स पोलियो अभियान के तहत आवश्यक सावधानियों को ध्यान में रखकर पोलियो टीम द्वारा बच्चों को दवा पिलाते समय स्पर्श नहीं किया गया, बल्कि इस दौरान बच्चों की मां द्वारा ही बच्चे का मुंह खोला गया और इसके पश्चात ही पोलियो टीम के सदस्यों द्वारा 2 बूंद बच्चे के मुंह में डालकर दवा पिलाई गई। इस दौरान सभी टीम के सदस्यों को मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाकर रखना तथा हाथों को सैनिटाइज करने के लिए सबके पास सैनिटाइजर होना अनिवार्य किया गया। न्यूज़ वन हरियाणा के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। जो ड्रॉप पिलाने का 3 दिन का ये कार्यक्रम है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, इसमें लेकर के और विशेष तौर पर जो हमारी सलम बस्तियों के बच्चे हैं, कोरोना से बचाव करते हुए हैं, उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाए, ये एक विशेष अभियान आया इसके तहत। आज आपने भी पोलियो दवाई? जी। तो इसके तहत बच्चों में पोलियो की बीमारी ना रहे, इसको लेकर के जो ये अभियान शुरू हुआ है, उसी के अंतर्गत यहाँ बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स स्वास्थ्य विभाग टीम जाएगी। हाँ जी। तो क्या कार्यक्रम था पोलियो का? आज सुबह पोलियो का प्रोग्राम है जिसमें कि हम 0 से 5 साल तक के बच्चों को हमें पोलियो पिलाना है, और वो स्पेशली हम हाई रिस्क एरिया जैसे बट्टे हुए, स्लम एरिया हुआ, या फिर जो हमारी माइग्रेंट पॉपुलेशन है उसके लिए। वो लगभग 8,500 के आसपास जो हमारी बच्चों की पॉपुलेशन है इस तरह वाली जो हाई रिस्क में, उनको हमने 3 दिन के अंदर, पहले दिन तो हमारा बूथ डे, सेकेंड डे हमारा हाउस डे, और थर्ड डे भी हाउस टू हाउस विजिट करेंगे ताकि कोई भी बच्चा रह ना जाए इसमें। क्योंकि साथ में हम एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि कोविड चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें ध्यान रखना है, और क्योंकि बच्चे को हम ड्रॉप पिलाते हैं तब भी हमें ध्यान रखना है कि कोई भी उसको अननेसरली कोई ड्रॉप को आगे से टच ना करे, ताकि हम एक अच्छी तरह से कोई इन्फेक्शन फैलने का डर रहे, ऐसा ध्यान रखते हुए सब बच्चों को दवाई। ठीक।